जी हाँ, आज हम फिर वहीं आए जहाँ हमने वायरिंग की थी। देखिए यहाँ पे पेंटर भाई साहब पेंट कर रहे हैं, इनसे दो सवाल करते हैं। ये आप ही के भलाई के लिए हैं कि आप समझें। देखिए पहले तो ये दिखा देते हैं, देखिए लकड़ी पे क्या हो रहा है। ये किचन बना है, मॉड्यूलर किचन है। इसमें प्लाई, देखिए प्लाई के दरवाजे आप देख सकते हैं, ये इसके ऊपर पेंट हुआ है। जी नहीं, चलिए भाई साहब से बात करते हैं। भाई साहब, अगर एक सवाल था, वो सवाल ये था कि अगर हम डायरेक्ट प्लाई के ऊपर हम अगर पेंट करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है, या उससे पहले कुछ करना पड़ता है? फ़ायदा तो कुछ नहीं है, नुकसान है। वजह ये है कि प्राइमर पहले लगना चाहिए। ऐसे समझिए कि बेस जो है प्राइमर से ही बनती है पहले। अच्छा जी। और मजबूती ही प्राइमर है, उसको ऊपर अच्छा। आप ज्यादा जैसा पेंट कर सकते हैं। अच्छा। और दरवाजों पर जो होता है वो ज्यादातर ऑयल पेंट होता है, तेल वाला। अच्छा जी, इनेमल पेंट इसको बोलते हैं। अच्छा जी। और जैसे जैसे दीवार है, दीवार पर भी पुट्टी खेल दी हमने, पुट्टी खेलने के बाद प्राइमर मार दिया, उसको क्या है 2-4 साल आप छोड़ दो, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, उसको ऊपर पेंट आप करा लो, और हैंड पेंट कराना है तो अच्छी बात है। अच्छा अच्छा, ये सुना है कि अगर डायरेक्ट प्लाई के ऊपर अगर हम पेंट मारते हैं तो प्लाई ज़्यादा पेंट पीती है, फिनिशिंग भी नहीं आती है। अच्छा, पेंट ज़्यादा लगता है, वो फिनिशिंग नहीं आती है। फिर इसके ऊपर असल में अभी तो ये प्राइमर होना है, प्राइमर होने के बाद इस पर एक बार देसी पुट्टी होती है। अच्छा, पेंट की। अच्छा, ऊपर फिर प्राइमर लगेगा, फिर तो गोल्ड पेंट के लगते हैं। अच्छा, तब बेहतर काम तभी होता है, यानी दिखने में फिनिशिंग और चमक वाला काम तभी होता है, तभी होगा, गोल्ड लगते हैं। अच्छा, तो जो लोग अगर डायरेक्ट प्लाई के ऊपर ये कलर कर देते हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा एक हाथ प्राइमर जरूरी है। अगर पुट्टी नहीं मारी तो चलता है, लेकिन प्राइमर जरूरी है, प्राइमर जरूरी है। पुट्टी की कोई टेंशन नहीं, नहीं भी उलाई तो फिनिशिंग से दो कोट पेंट के लग जाए ना तो बेहतर है, लेकिन प्राइमर जरूरी है। देखिए गाइज, आप लोग जो परेशान हैं कि डायरेक्ट प्लाई के ऊपर पेंट कर लेते हैं और सोचते हैं कि फिनिशिंग क्यों नहीं आ रही, अभी आपको समझा और हमें भी समझा है कि फिनिशिंग क्यों नहीं आती। पहले प्राइमर होता है, प्राइमर के बाद एक हाथ पुट्टी होती है, फिर वापस प्राइमर होता है। सर सही बात है, फिर पेंट के दो कोट लगते हैं, फिर कहीं जाके वो फिनिशिंग आती है, कंप्लीट होता है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपनी राय बताइए। आपने कहीं ऐसा ये तो गलती नहीं की है कि डायरेक्ट पेंट मारा हो? आप ज़रूर हमें कमेंट्स बॉक्स में आके बताइए। चलिए फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलें।